करो। बैजनाथ स्थित आईटीआई की शिफ्ट होने की सूचना पर स्थानीय लोगों का पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक चंद्रराम दास तथा भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट को फोन पर सूचना देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण रंजीत दास सहित भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश रावत, मंगल राणा आदि ने बैजनाथ से आईटीआई शिफ्ट करने का विरोध किया। उन्होंने आईटीआई को और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा नए ट्रेड खोले जाने की मांग की। इधर क्षेत्रीय विधायक चंद्रराम दास ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि बैजनाथ से आईटीआई को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन के लोग जो है अभी उसको बंद करने के लिए यहाँ से सामान शिफ्ट करने के लिए आए हुए थे, इसलिए हम लोगों ने जो है सभी लोगों ने, इसमें सारी जनता थी, सारे जनप्रतिनिधि थे, हम लोगों ने सामान को यहाँ से शिफ्ट नहीं करने दिया। क्योंकि देखिए जितनी मेहनत से हम लोग इसको लेके आए थे उस वक्त हम लोगों ने रात देने करके इसको आ दिया। आज इसको बंद करने का, इसमें ट्रेड खोलने के बजाय, इसको आगे बढ़ाने के बजाय इसको बंद किया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने सामान यहाँ से शिफ्ट नहीं होने दिया। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन, हम मांग करते हैं कि इसमें ट्रेड खोला जाए, क्योंकि युवाओं को, यहाँ के छात्रों को, युवाओं को जो है उसमें पढ़ने के बाद उसमें रोजगार का अवसर प्राप्त हो। आईटीआई से संबंधित पुनर्संचालित करने हेतु ज्ञापन उप जिलाधिकारी गरुड़ के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया था। पुनः उसी क्रम में हमें अवगत करना है कि शासन द्वारा आईटीआई बंद करने के जो आदेश दिए गए हैं उनको निरस्त किया जाए, और जो है इस आईटीआई जो कि गरुड़ में अभी चल रहा है, किराए के भवन में चल रहा है, इसमें नए ट्रेड महिलाओं से संबंधित जोड़े जाएं तथा इस आईटीआई को पुनः संचालित करने के आदेश दिए जाएं तथा आईटीआई की स्थापना हेतु यहाँ पर जो भूमि चयनित की गई थी, चयनित भूमि पर आईटीआई को स्थापित किया जाए, जिससे कि गरुड़ क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बाहर न जाकर इस आईटीआई से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में तथा अपने निजी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोलकर अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकें। आज भी उनके प्रिंसिपल आए थे कन्याल जी, तो वो कहते थे कि हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें किराया पड़ा है। तो हमने उन्हें एक ऑप्शन दी, पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई, गैर राजनीतिक तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया गया और उन्हें बताया गया भैया सामान कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, अगर बहुत ही जल्दी है तो बीच में अर्जुन साहब आएंगे, वो मूर्तियों की भवन यहाँ पर खाली है उसके लिए प्रयास करेंगे। तो ये ज्ञापन हमने डीएम साहब के नाम पर यहाँ पर दिया और विधायक से मेरी पर्सनल बात हुई, विधायक जी की बात सचिव लेवल पर भी हो चुकी है, उनके डायरेक्टर से भी बात हो चुकी है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि यह आईटीआई कभी यहाँ अन्य ट्रेडों के साथ यहाँ पर भव्य रूप में खुलेगी। सीसीएन न्यूज के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।